तो आपको ये लगता है कि हादी मेरी वजह से गुम हुआ? अगर तुम टाइम पर जाकर उसको स्कूल से ले लेती तो आज हादी हमारे पास होता। तो सनाया कौन सा टाइम से पहुंच गई थी स्कूल? उसके अपने बच्चे, उसको इतनी फिक्र नहीं, मुझे कैसे हो सकती है? लेकिन फबिया वो मेरे बच्चे थे, थोड़ा तो ख्याल कर लेती। क्या सोचकर तुमसे शादी की थी मैंने, भरोसा किया था तुम पर, उम्मीद लगाई थी तुमसे। पता नहीं कौन सी मनुष्यगढ़ी थी तुमसे शादी करनी मैंने। क्या बात है अरम, बहुत अच्छे। घर खराब हुआ मेरी वजह से, बच्चे गुम हुए मेरी वजह से, आपके और सनाया में दूरियां मैंने पैदा की, बच्चों का हक मैंने छीना, सब कुछ मैंने किया, और जो सनाया ने आपके साथ किया उसका सिला तो क्या दिया आपने? कल को वही कुर्बानियां देती हुई सनाया आपके लिए मुजरिम थी और आज साथ निभाने वाली बन गई। शाबाश, बहुत अच्छे। आपको पता औरत का वजूद ही गलत है, हर चीज में औरत का कसूर है, लेकिन औरत को जिम्मेदारियां थमा कर बड़ी आजादी से कहने का हक मिल जाता है कि तुम्हारी वजह से हुआ। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दें कि दूसरी शादी करने वाली भी एक औरत ही होती है, वही खसलत, वही आदत, वही सब कुछ, फिर भी मर्द अंधा घूंगा बहरा क्यों बनता है? मुझे जवाब दें। हजारों तकलीफें बर्दाश्त करके अपनी दूसरी शादी को डिफेंड करता है, लेकिन जहां पर गलतियों की बात आ जाए औरत का नाम जोड़ देता है, क्यों? जवाब दे मुझे इस चीज का। हर चीज का कसूरवार आपने मुझे बना दिया। आपने तो जैसे कुछ किया ही नहीं, आपका तो कोई कसूर नहीं है ना? ठीक है, तुम्हारा कसूर नहीं, कसूर मेरा है, मेरा। It's also right. ये मेरी हसरत ना होगी कहूं।